टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। क्या आपको ऐसा लगता है अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार दुश्मन कब बन जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए? ऐसा हर कोई नहीं करता, मगर सतर्क रहना चाहिए। और मैं इस खबर को इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी सतर्क हो जाएं। खबर है दिल्ली से, एक 4 साल की बच्ची जिसे देश दुनिया कुछ भी नहीं मालूम, और मालूम है तो वो है माँ बाप चाचा चाची का प्यार। लेकिन चाचा ही 4 साल की बच्ची का किडनैप करने की साजिश रची थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की एक हैरान कर देने वाली, दिन दहाड़े बच्ची को किडनैपरों ने किडनैप करने की कोशिश की। दरअसल दिल्ली के सकरपुर इलाके में, इस इलाके में दिन दहाड़े एक बच्चे की अपहरण की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ ने बहादुरी दिखाई। बच्चे के माँ के सामने उन्हें बच्चे को छोड़कर भागना पड़ा। पड़ोस के लोगों ने दोनों किडनैपर यानी बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, किस तरह से की है हम आपको इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाएंगे। ये वो सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं, अब जरा गौर से देखिए। बदमाश गली में घुसते हैं, दोनों के चेहरे पर हेलमेट और मास्क लगाए हैं। पहले दोनों बदमाश में से एक घर की महिला से बात करता है, उसके बाद महिला घर के भीतर जाती है, तभी एक शख्स बच्चे की किडनैपिंग की कोशिश करता है। एक शख्स बच्चे को उठाकर बाइक पर बैठाता है, दूसरा बाइक चालू करके भागने की कोशिश करता है, मगर उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। माँ ने उन्हें धक्का देकर बदमाशों के चंगुल से बच्चे को बचा लिया। उसके बाद दोनों भागते हैं, पड़ोस के लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों पैदल भाग निकले। और इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी गई तो पुलिस तहकीकात शुरू कर दी है, जिसमें पता चला बच्चे के चाचा ने ही किडनैपर को जो है बुलवाया था, और बच्चे के चाचा जो है किडनैप करने की साजिश रची थी। इस पूरे मामले में 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार की है। पुलिस ने बताया अभी और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। माँ की बहादुरी के चलते 4 साल का बच्चा किडनैप होते होते बचा। आप भी सावधान रहे, हमने जो ये खबर दिखाया है आपको सावधान करने के लिए दिखाया है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित रहें। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स।